भारत की माउंटेन स्ट्राइक कॉप को भी अपनी खुद के डेडिकेटेड आर्टिलरी विंग मिलने वाला है। एक बार फिर से इंडियन नेवी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक दूसरे के स्टेटमेंट को लेकर सहमत नहीं है, जिसके ऊपर इंडियन नेवी की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। ऐसा क्या हुआ कि भारत की तरफ से अभी रशिया को सीधे तौर पर काउंटर करना पड़ रहा है और साउथ कोरिया की तरफ से अब एक ऐसी एडवांस मटेरियल की खोज की गई है जो कि बैटलफील्ड में किसी को भी इनविजिबल कर सकता है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट माउंटेन स्ट्राइक कॉप को लेकर। द प्रिंट में एक रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बंगाल की पनागढ़ बेस्ड माउंटेन स्ट्राइक कॉप को अभी अपनी खुद की आर्टिलरी ब्रिगेड के साथ इक्विप करने का फैसला किया गया है। अब पहले से ही आर्टिलरी ब्रिगेड को माउंटेन स्ट्राइक कॉप के साथ अटैच किया जा चुका था, लेकिन ये कुछ हद तक ही ऑपरेशनल हो पाया था, क्योंकि आमतौर पर एक डिवीजन 3 ब्रिगेड के बराबर के होता है और एक डिवीजन में आर्मर्ड आर्टिलरी और इन्फेंट्री यूनिट मौजूद होता है, और जब दो डिवीजन को आपस में मिलाया जाता है तब एक कॉप बनता है। अब ऐसे में अब तक बस कुछ ही हिस्से में ही करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी पूरी माउंटेन स्ट्राइक कॉप को अपनी खुद की आर्टिलरी ब्रिगेड मिलने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक नए आर्टिलरी ब्रिगेड को तैयार करने के लिए पहले से ही काम शुरू किया जा चुका है और इस रेजिमेंट के अंदर जो भी आर्टिलरी गन को शामिल किया जाएगा वो सभी के सभी अल्ट्रा लाइट कैटेगरी के हाउजर होने वाली है, क्योंकि जैसे इन सभी को माउंटेन रीजन में इस्तेमाल किया जाएगा तो उसी हिसाब से इनको तैयार किया जा रहा है। इससे पहले एक फुल फ्लेज कॉप को बनाने का प्लान किया गया था जिसमें 90,000 से ज्यादा सोल्जर रहने वाले थे और इसको बनाने के लिए लगभग 64,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट होने वाला था, पर 2016 में बजट की कमी होने की वजह से इसको आगे बढ़ाने से रोक दिया गया था। अभी हमारे पास बस एक ही माउंटेन स्ट्राइक कॉप मौजूद है और पहले एक और डिवीजन को भी बनाने का प्लान किया गया था जिसको पठानकोट में तैनात किया जाने वाला था, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अब इंडियन आर्मी डुअल टास्क फॉर्मेशन को करने का प्लान कर रही है, जिस वजह से वो एक साथ पाकिस्तान और चाइना का सामना कर सकेगा, और इसके लिए आर्मी की तरफ से अभी अलग अलग प्रपोजल को देखा जा रहा है। साथ ही इसी दौरान ही हमारी माउंटेन स्ट्राइक कॉप को और मजबूत करने के लिए इसे अपनी खुद की आर्टिलरी यूनिट से इक्विप करने का फैसला किया गया है। आर्मी की तरफ से बताया गया कि माउंटेन वॉरफेयर दुनिया का सबसे मुश्किल वॉरफेयर होता है, जहां पर दुश्मन की एक पोजीशन को काउंटर करने के लिए और उसके ऊपर ऑफेंसिव ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए हमें 9 पोजीशन की जरूरत पड़ सकता है, और प्लेन के लिए जो रेशियो 1:3 का होता है वो माउंटेन वॉरफेयर के लिए 1:9 के आसपास बढ़ जाता है। अगला अपडेट HAL की तरफ से है। अब आप सबको पता होगा कि भारत रशियन इक्विपमेंट के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, और अगर हमारी एयरफोर्स की बात करें तो हमारे फ्रंट एंड फाइटर जेट्स भी रशियन ओरिजिन है। भारत 70s के दौर से ही रशियन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता आ रहा है और समय के साथ साथ इनको भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर मैन्युफैक्चर भी करना शुरू किया जा चुका है। अभी HAL की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक HAL की कोरापुट डिवीजन की तरफ से एक मेजर माइलस्टोन को हासिल किया गया है, और अभी HAL की तरफ से रशियन RD-33 इंजन की 140th यूनिट को मैन्युफैक्चर करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया है। 2006 में भारत और रशिया के बीच एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसके बाद रशिया की तरफ से भारत को RD-33 इंजन के लाइसेंस प्रोडक्शन करने का अधिकार दिया गया था। अब तब से इनको HAL में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया गया था, लेकिन अभी भारत में जिन RD-33 इंजन को बनाया जाता है उनका थ्रस्ट ओरिजिनल RD-33 इंजन के मुकाबले थोड़ा बेहतर होता है, और साथ ही एम्बिएंट डिस्टरबेंस के लिए इनका स्टेबिलिटी भी RD-33 इंजन के मुकाबले बेहतर होता है। इसमें ओरिजिनल RD-33 इंजन के मुकाबले हीट सिग्नेचर को भी थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है, और इन इंजन को जिस भी MiG-29 में इस्तेमाल किया जाएगा वो फुल वेपन लोड के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से भी आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं। और इसी के साथ भारत की क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से भी HAL की तरफ से भी इसको दोबारा रिट्यून किया गया है। अगला अपडेट भारत रशिया और चाइना को लेके। एक या दो दिन पहले रशिया की तरफ से भारत और चाइना के बीच चल रही तनाव को लेकर एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था, जिसमें रशिया की तरफ से भारत और चाइना के बीच चल रही तनाव को लेकर यूनाइटेड स्टेट को ब्लेम किया गया था कि इन सब के लिए यूनाइटेड स्टेट जिम्मेदार है, और यूएस की तरफ से अभी भारत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और एक तरीके से यूएस की तरफ से भारत और रशिया के रिलेशन के बीच आने की कोशिश में भारत की फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर किया जा रहा है। अब हालांकि ऐसे स्टेटमेंट रशिया की तरफ से यूनाइटेड स्टेट को एम करके दिया गया था, लेकिन जो बंदूक था वो हमारे कंधे पर था, और बदले में रशिया यहाँ पर चाइना की तरफ से किए गए अभी तक के सभी एग्रेशन को नजरअंदाज कर रहा था।
इसी पर अभी भारत की तरफ से शार्प रिस्पांस दिया गया था और भारत का कहना था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है और रशिया के साथ हमारी जो रिलेशन है वो अपनी जगह पर है और बाकी देशों के साथ हमारी जो रिलेशन है वो अपनी जगह पर है और ये बात हमारे फ्रेंडली कंट्री को समझना चाहिए। साथ ही चाइना की बात करते हुए कहा गया कि पिछले 6-7 महीनों के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो भी चल रहा है उसके लिए चाइना ही जिम्मेदार है और दोनों ही तरफ से डिप्लोमेटिक लेवल में इसको सॉल्व करने के लिए फिलहाल बातचीत किया जा रहा है। तो यहाँ पर रशिया की तरफ से जो एक तरीके से चाइना को बचाते हुए स्टेटमेंट दिया गया था, इस बार भारत की तरफ से इसका सीधा विरोध किया गया था क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत ने घुसपैठ नहीं किया है और हमारी आर्मी वहां पे इस वजह से तैनात है क्योंकि चाइना वहां पे बॉर्डर में घुसपैठ करने की कोशिश करने लगा है। और अगर रशिया की बात पर गौर किया जाए तो उनके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट भारत को अभी बढ़ावा दे रहा है और भारत को उकसा रहा है, जिसका मतलब ये कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत की वजह से तनाव बढ़ रहा है जो कि पूरी तरीके से गलत है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट अलग अलग तरह के ओपिनियन दे रहे हैं। सबसे पहले तो नेवी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जाना चाहती है, जबकि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मुताबिक अभी हमें सबमरीन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए और बाद में एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्वायर करना चाहिए। और अभी इंडियन आर्म फोर्सेस की सभी एक्विजिशन उन्हीं के हाथ में होने की वजह से अगर वो नहीं चाहते तो इंडियन नेवी अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्वायर नहीं कर सकता है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम को इवेल्युएट करके उसके जगह पर न्यूक्लियर सबमरीन को खरीदने का विचार कर रहे हैं। इसी पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना है कि अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए 2500 के आसपास मैनपावर के साथ साथ हमें कंप्लीट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें डिस्ट्रॉयर से लेकर सबमरीन तक मौजूद रहेंगे और इसके लिए हमें काफी बजट की जरूरत पड़ने वाली। जबकि नेवी का कहना है कि अभी के हालात में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं बल्कि हमारी जरूरत है, जहां पर हमको एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को नेवी में शामिल करना पड़ेगा और साथ ही हमें सबमरीन को भी नेवी में शामिल करना पड़ेगा और इनमें से किसी एक को शामिल करने से नेवी को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को अप्रूव करने की बात की गई है और 2021 के शुरुआत में ही इसके लिए एक्सेप्टेंस और नेसेसिटी को इशू करने का फैसला किया गया है और उसके बाद ही नेवी की तरफ से इसके लिए फॉर्मल RFI को इशू किया जाएगा। लेकिन फिर भी अभी इस बात को लेके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सहमत नहीं है, जो कि हमारी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम की कंस्ट्रक्शन को लेके सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। आप सभी को याद होगा एक या दो दिन पहले पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी डॉन की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि भारत की तरफ से अभी पाकिस्तान के ऊपर एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्लान किया जा रहा है और इसके अंदर भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को करने वाला है। लेकिन इस बात को लेके भारत की तरफ से शार्प रिस्पॉन्स दिया गया था और भारत का कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भारत के ऊपर फेक एलिगेशन लगाए गए हैं। लेकिन दूसरे तरफ आज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से ये बताया गया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी जो सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री मौजूद है वो सभी अभी दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। अब यहाँ पर जितने भी सुअरों की ट्रेनिंग चली है सबके सब झंडे मोहम्मद सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं और हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर इनकी तरफ से शेयर किया गया था जहाँ पर ये सभी सुअर लोग भारत के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ और हमारे PM के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अब यहाँ पर इतने बड़े बड़े सुअर मौजूद है जिनका नाम लेने से YouTube बुरा मान सकता है, तो हम उनका नाम यहाँ पर नहीं ले रहे, लेकिन उम्मीद है कि भारत की तरफ से अभी इन सभी को रास्ते पर वापस लाने के लिए पिछली बार की तरह ही सबक सिखाने की कोशिश की जाएगी। और ऐसा सुनने को मिल रहा है कि अभी भारत की तरफ से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद सभी सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री को पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी किया जा रहा है, लेकिन ये क्या होने वाला है और इसको कब लॉन्च किया जाने वाला है इसके बारे में वक्त आने पर ही पता लगने वाली है। अगला अपडेट आर्टिफिशियल स्किन को लेके साउथ कोरिया के रिसर्चर्स की तरफ से अभी एक तरीके से आर्टिफिशियल स्किन को डेवलप किया गया जिसका इस्तेमाल करने से बैटलफील्ड में सोल्जर खुद को इनविजिबल कर सकते हैं। साउथ कोरिया के रिसर्चर्स की तरफ से एक रिसर्च पेपर को पब्लिश किया गया था जिसके मुताबिक उन्होंने अभी एक तरीके की एडवांस फंक्शन मटेरियल को डेवलप किया है जिसका इस्तेमाल करके सोल्जर बैटलफील्ड में नेचुरली इनविजिबल हो सकते हैं और अपने आसपास के वातावरण के साथ मिक्स हो सकते हैं। इसको आप गिली सूट की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये उनसे थोड़ा अलग चीज है क्योंकि गिली सूट एक ही कलर का आता है जबकि ये सूट अपने आसपास के सिचुएशन के हिसाब से अपनी कलर को चेंज कर सकता है और ये बस 5 सेकंड के अंदर अपना रंग बदल सकता है। इसमें एक्टिव कूलिंग और हीटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है जिससे ये अपने आसपास के वातावरण के साथ विजुअली घुलमिल जाने के साथ साथ अपनी हीट सिग्नेचर को भी उसके साथ सिमिलर कर सकता है।
ऐसे होगा क्योंकि सोल्जर की बॉडी के टेम्परेचर दुश्मन की थर्मल इमेजिंग डिवाइस में इतनी आसानी से नजर नहीं आएंगे। अब इसके बारे में रिसेंटली भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से भी चर्चा किया जा रहा था कि यह टेक्नोलॉजी भारत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अभी भारत को एक दो तरफा सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। और वैसे देखा जाए तो भारत के जवानों को अपने डिप्लॉयमेंट एरिया के हिसाब से कैम्फ्लॉक सिस्टम दिया जाता है। अब इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी को सिचिन जैसे बर्फीले एरिया से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान में ड्यूटी करना पड़ता है, और ऐसे में हमारे जवानों को अलग अलग कपड़े दिए जाते हैं जो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से सूट करते हैं। और इसी बात को लेकर सवाल किया गया था कि क्या साउथ कोरिया की तरफ से जिस नए कैमोफ्लॉक सिस्टम को यहाँ पर डेवलप किया गया उसको इंडियन आर्मी को फायदा हो सकता है, क्योंकि भले ही अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने रंग को बदल सकता है लेकिन सिचिन में जब टेम्परेचर -40 के आसपास नीचे चला जाएगा तो हमारे जवानों को भी गर्म रखने के लिए उनको गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। अब अच्छी बात यह कि सूट अपने हीट सिग्नेचर को बाहर की टेम्परेचर के साथ मैच कर सकता है, लेकिन बदले में जवानों को इसे ऑपरेट करने के लिए उसी तरीके की सूट को डेवलप करना पड़ेगा या फिर कोट को डेवलप करना पड़ेगा जिसको -40 डिग्री के टेम्परेचर में पहना जा सके। लेकिन अभी इस टेक्नोलॉजी को फाइटर जेट में भी इस्तेमाल करने की सोचा जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बना है जो कि रडार वेव को भी धोखा दे सकता है, और इनको आगे चल के स्टेल्थी एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट की स्टेल्थीनेस को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल ये सिर्फ अभी एक रिसर्च पेपर है जिसको ऑपरेशनल रोल में इस्तेमाल करने में कितना वक्त लगेगा ये बताना काफी मुश्किल है। एक और बड़ी बात यह है कि अगर हम इन मटेरियल को बना भी लेते हैं और साउथ कोरिया की तरफ से इनको एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस दे दिया जाता है तब भी ये इतने सस्ते नहीं होने वाले हैं, और इसी वजह से इनको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना फिलहाल के लिए इतना संभव नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।